को मोदी सरकार बेच रही है, उन सभी संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण का अधिकार है वो सब छीन जाएगा। नरेंद्र मोदी के इशारे पर राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करता है ताकि एससी एसटी ओबीसी का जो मसला है उससे ध्यान भटक जाए और किसान नेता पर जानलेवा हमले का मामला ज्यादा के बाप की ताकत नहीं है कि वो राकेश टिकैत पर हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है हमला करके। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस संघ परिवार अपने पास छिपाने के लिए कुछ भी करता है। मैं फिर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 1 अप्रैल को शाम को 6:49 पर वायर ने एक स्टोरी पब्लिश की, एक रिपोर्ट जाहिर की। वो रिपोर्ट थी कि हमारे देश में जितने सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार बेच रही है उन सभी संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण का अधिकार है वो सब छीन जाएगा। इसीलिए पूरे देश के अंदर ये आबादी बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों करोड़ की संख्या में है, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या करें। अचानक में पहले असम के अंदर जो पोलिंग स्टेशन से ईवीएम लेके जा रही थी टीम, उससे ईवीएम निकाल करके और भाजपा के उम्मीदवार के गाड़ी में रखवाया जाता है बोलेरो में ताकि ध्यान उधर रहे, लेकिन ये भी तब तक कवायद कम पड़ रही थी। 2 तारीख को 2 बड़े नाम काम होते हैं, एक अलवर में एबीपी का जो प्रदेश छात्र नेता रहा है वो आरएसएस के मोहन भागवत और अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करता है ताकि एससी एसटी ओबीसी का जो मसला है उससे ध्यान भटक जाए और किसान नेता पर जानलेवा हमले का मामला ज्यादा चर्चा में रहे। और दूसरा, राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर एक इनका साधु बाबा जो आतंकी, जिसने हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति को भी जिहादी बताया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है खुदा के नाम पर इस्लाम के लोगों को, और वो कहता है किस प्रकार के बेहुदे शब्द कहता है ताकि यो मामला पूरा भटक जाए एससी एसटी और ओबीसी का। मैं आपके माध्यम से आपके सवाल का जवाब, आरएसएस मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है कि वो राकेश टिकैत पर हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस और मोहन भागवत अमित शाह के बाप की ताकत नहीं है कि राकेश टिकैत किसी किसान नेता पर हमला करके हमारे किसान आंदोलन को कमजोर कर सके। लेकिन ध्यान, जब किसान आंदोलन कमजोर भी नहीं हुआ, राकेश टिकैत भयभीत भी नहीं हुआ, ईवीएम की सील नहीं खुली, और जो उनका बाबा वहां प्रेस क्लब में, आपको बताना चाहता हूं हमारे किसान नेता यदवीर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने गुजरात में किसान पंचायत करनी है तो इनकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो यहां नफरत फैलाता है संसद की चौखट पर, और उसके बावजूद पुलिसकर्मी 2 दिन तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, बहुत बड़े हो हल्ला के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था, आपने देखा राकेश टिकैत 28 जनवरी को यहाँ पर सिर्फ रास आंसू टपके थे राकेश टिकैत के। मैं जब यहाँ आया द वायर के पत्रकार ने मुझे पूछा कितने लोगों की संख्या यहाँ आई है, मैंने दावा किया था हरियाणा से 40,000 लोगों की, तो समझो उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए होंगे आप कल्पना कीजिए। हमने कहा, और मैंने कोई बनावटी बात नहीं की, पहली बार भारत में रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे पंचायतें हुई हरियाणा के अंदर। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आंसू टपकने से जब लाखों किसान एकजुट होते हो तो अगर राकेश टिकैत पर कंकड़ भी शरीर पे लग जाता तो क्या हालत होगी। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ना ये राकेश टिकैत या किसी किसान नेता को भयभीत कर सकते हैं, ना हमारे आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। पूरे संसार में मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर के रामायण से लेकर महाभारत काल और तमाम युद्ध लड़े गए हथियारों के बूते, यह पहला युद्ध है जो अहिंसक तरीके से लड़ा जा रहा है, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे लंबा युद्ध, और बलिदानी, कैसा बलिदानी, शहीद आजम भगत सिंह अश्फाकुल्ला खां की तरह मरने की शहादत जज्बा, 300 से ज्यादा हमारे किसान शहादत हो गए, और जिनके घर से शहादत हुए उनके बेटे और बहू भी चढ़ बढ़ करके हमारे किसान आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं, संसार में इतना बड़ा अहिंसक, इतना बड़ा त्यागी, बलिदानी आंदोलन धरती पर इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए जी लोगों का कहना है कि ये जो हमला हुआ है ये उनका खुद का किराया हुआ है कि पब्लिसिटी पाने के लिए, अगर उनका कहना है कि अगर हमला किसी को करना होता, इनको मारना होता, तो गाड़ी में पीछे से हमला क्यों करते हैं, आगे से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। देखिए जो आपने कहा खुद का हमला,
अरे एक पॉइंट मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं, क्या 1 अप्रैल को हमारे देश में सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है? यह रिपोर्ट क्या हमारे किसान नेता राकेश टिकैत ने जाहिर कराई थी क्या? इस रिपोर्ट से किसको नुकसान होने वाला है? हमारे किसान आंदोलन को नुकसान होने वाला नहीं है, इस रिपोर्ट से नुकसान होने वाला है देश विक्रेता आरएसएस की सरकार को, उनकी पार्टी को, चुनाव में पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडुचेरी में, तमिलनाडु में और केरल में। हमारे तो पहले किसान आंदोलन जो हमें कहता हूँ अन्न खाने और अन्न उगाने वाले एकजुट थे, अभी तो एससी एसटी और ओबीसी का भी जो इन्होंने आरक्षण का अधिकार छीन लिया वो एकजुट हो चुके हैं। वो सबसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं प्यारे देशवासियों आप सबों से अपील करता हूँ, अभी भी बेटी बाप के घर है, मान जाओ, जान जाओ। ये यहूदियों का कुनमा जो यहाँ आकर नकली हिंदू बन चुका है, ये हमारे देश समय जैसे कुलदीप यादव से हमला करवाया, अमित शाह नरेंद्र मोदी की तरह कई गुलामों की फौज खड़ी करके देश पर शासन कर रहा है और देश का एक एक संस्थान बिकवा रहा है और देश के किसानों के खेत खलियान छिड़वा रहा है, इसके खिलाफ एकजुट हो जाओ। हमारा देश में आपको बताना चाहता हूं ये हमला आरएसएस के लोगों ने इसलिए करवाया था ताकि 1 अप्रैल को 6:49 पर वायर की जो रिपोर्ट है उससे एसटी एससी और ओबीसी में जो संदेश जा रहा था उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, उसके लिए यह हमला कराया गया। और यह मरवा भी सकते थे, हमला सिर्फ ऐसा नहीं, यह ऊपर वाले की दुआ है कि राकेश टिकैत की जान बच गई, यह जान से भी मरवा सकते थे, आपको बता रहा हूं। मैं दूसरा कहना चाहता हूं, जो यतीतानंद क्या आनंद इनका जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो खुदा की इबादत करने वालों की संख्या कम कर सके, उनकी आस्था को कम कर सके या कुछ और, आप समझ रहे हैं। लेकिन यह क्रोनोलॉजी का हिस्सा था, जानबूझ करके इतने बड़े तबके का जो अभी पिछले 7 दशक से एससी एसटी और मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जो 27% आरक्षण उसको छीनने का षड्यंत्र था, उसे ध्यान भटकाने का क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा है। मतलब कह सकते हैं कि सरकार ने मेरी प्री प्लान किया था इसको सरकार का योग देखिए हमारा, आप समझ लीजिएगा। एक दिन अमित शाह से पूछा गया, अमित शाह तुम क्या करते हो? उसने कहा 24 घंटे हम चुनाव मूड में रहते हैं, वो सब काम चुनाव को देख के करते हैं। क्योंकि यह रिपोर्ट आपने कहीं गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं सुनी होगी, पर आप सब लोग, और मैं बताता हूँ, मैंने इसको ट्वीट भी किया और मेरे फेसबुक वाल पर भी एक है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, उसमें भी शेयर किया मैंने वायर की इस रिपोर्ट को, आप सब लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूँ जी। जैसे ही राकेश टिकैत पर हमला हुआ उसके तुरंत अगले ही दिन हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है, बिल्कुल जो आप फिर गई, मैं फिर कह रहा हूँ और कुछ हो सकता है। ये राकेश टिकैत पर 2 तारीख को हमला, 1 तारीख को ईवीएम चोरी करने का खेल, 2 तारीख को राकेश टिकैत पर हमला, 2 तारीख को नफरत फैलाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, 3 तारीख को रोहतक में किसान आंदोलन पर हमला होना, ये इसलिए है ताकि, फिर मैं कहना चाहता हूँ, ताकि मीडिया में रोहतक में हमारे किसानों पर हमला। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ एक बात, ऐसा नहीं है, हम सब लोग जो खड़े किसान हैं, हमने हमारा देखिए रोहतक में हमला करने के बावजूद खट्टर की ताकत नहीं है, अभी खट्टर की पुलिस कहने लग गई, ये आदेश हमने नहीं दिया था। और मैंने बार बार कहा जिस तरीके से 28 तारीख को भी पुलिस की वर्दी में इनके गुंडे थे, मैं फिर कह चाहता हूँ, आपने देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय पर भी इनके पुलिस की वर्दी में गुंडे हमला करने वालों में रहे, किसान आंदोलन पर हमला करने वालों में रहे, अभी राकेश टिकैत का विरोध हमला करने वालों में इनके लोग थे, अभी क्या कहते हैं खट्टर के विरोध करने में किसान खड़े थे उसमें पुलिस अधिकारी कह रहा है, उसका ऑफिशियल बयान है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उसमें भी आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में हमला बरते, 80-80 साल के बुजुर्ग किसानों पर हमला किया गया है, लहूलुहान है। योगी जी बंगाल गए, उन्होंने वहां कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है बंगाल में जीतने के बाद हम लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। देखिए उत्तर प्रदेश का मॉडल बताता हूं, मोहम्मद अखलाक एक फौजी के पिता को उसके घर में मारा गया, उसकी न्याय जांच करने उसकी जांच करने वाले ईमानदार अधिकारी की हत्या करवा दी गई। उत्तर प्रदेश का मॉडल है राम मंदिर के निर्माण की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद, 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, उसकी नंगी सीढ़ियां बाजार में घूम रही हैं, जैसे ही पीड़िता ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया पीड़िता को ही जेल में भिजवा दिया और फिर उसको छुड़ा दिया गया। आप समझो पहले अखला के पिता के हथियारों को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर सुबोध को मरवाया गया, संत चिन्मयानंद बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता को फंसाया गया, एक छोटा
किसान 3 बीघा जमीन का किसान हाथरस का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी बेटी के साथ गैंग रेप करके जुबान काटी गई, उनके अपराधियों को बचाने के लिए उसके शव को जलाया गया। और वही हाथरस में एक और किसान की बेटी, उसको छेड़ाखानी करने वाले अपराधी, वो एक महीने जेल में रहा 2018 में, उसके पिता को 10 गोलियों से मरवाया गया। अब उत्तर प्रदेश का मॉडल अगर कहें, अभी गोंडा में भाजपा के नेता के द्वारा एक गरीब की बेटी को उठाकर गैंग रेप करवाया गया। अभी एक और घटना घटी, एक बेटी के साथ में गैंग रेप करने वाले 6-7 लोग उठा करके ले गए। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो बहुत विचित्र मॉडल है। हमारे किसान आंदोलन में लोग आ रहे थे यहाँ, उनको आप समझ लो कि मैं लखीमपुर खीरी का यशो कोई रविंद्र वर्मा कहीं डीएम, मैंने धमकाया उनको, मैंने कहा उल्लू के पट्ठा जेल जाओगे, अबे कानून तुम्हारे बाप का है क्या? अगर हमारा धरना अवैध गाजियाबाद का है, तुम अपने जिलों में हमारे किसानों को रोकने का काम क्यों कर रहे हो? तो कहां साहब ऊपर से आदेश है, अबे लिख के दिखाओ सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। तब जाकर के मैं बताता हूं, जब मैंने उनसे बात की आला अधिकारियों से, उनको समझ आया, मैंने कहा ये घंटा बजाने वाला बाबा वहां पहुंच जाएगा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आपने देखा? उत्तर प्रदेश में यह चल रहा है कि दूसरे लोग अगर सड़क में खड़े हो, अभी देखा आपने कि गोरखपुर में हजारों की संख्या में लोग क्या नरसिंह की रैली निकाल रहे थे, आपने देखा बनारस में होली के दिन लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे थे, और बाकी कहते कोरोना है। तो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है यह फेल है। हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जिस दिन अपने फसल बोता है, अंकुर आने से लेकर फसल को ठिकाने मंडी तक पहुंचाने के दिन तक खेत में चौकीदारी करता है, वहां की बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनके संत बलात्कार करते हैं, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, इनका मॉडल वहां चलने वाला नहीं। मैं एक बात बताऊं, पश्चिम बंगाल आजादी की जंग से लेकर अब तक कभी भी सांप्रदायिक शक्ति के साथ नहीं रहा है, ये बात मान करके चलिए। और पढ़ा लिखा तबका है, अरे केरल का एक विधायक है भाजपा का, उसने कहा भाजपा आरएसएस की चाल यहां कभी नहीं चलेगी। उसे पूछा पत्रकारों ने क्यों, कहा कि यहां 90% लोग पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं, ये तुम्हारी हर बात का सवाल जवाब करते हैं, यहां कभी भाजपा नहीं पनप सकते, आरएसएस नहीं पनप सकता। पश्चिम बंगाल का मैं दावा करता हूं, जिस जमाने में 1.5 रुपए का अखबार था ऐसे लेकर के चलता हमारा का गरीब आदमी, फटी हुई चप्पल पहनता था, गरीब हो सकता है लेकिन राजनीतिक जागरूक है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, और असम में भी आप जानकर हैरान होंगे, असम में इनकी सरकार जा रही है, विदा हो रही है, तय है।